तो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। मैं यहाँ पर नेटवर्क के कोर्स के बारे में आपको बहुत कुछ समझा दिया था। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीटली कम्युनिकेशन किस तरह से करना होता है, किस तरह से वायरिंग वगैरह करनी होती है, लैब की सेटअप कैसे करनी होती है, ये सब कुछ मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया था। फाइबर ऑप्टिकल का आप नेटवर्क बनाते हो तो कैसे बनाना है, ये सभी का वीडियो जो है आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसको क्लीन नेटवर्क कहते हैं। अच्छे से आपने कम्युनिकेशन किया होगा तो आपका अच्छा नेटवर्क चलेगा, काफ़ी बार फिर चलेगा, आपको ट्रबल शूटिंग करने में, आपको फॉल्ट ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कम्युनिकेशन के अंदर आपको किस तरह से मैनेजमेंट करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमारा तीसरा ट्रांसपोर्ट के बारे में समझाया था, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रंकिंग सिस्टम क्या होती है, बिलिंग क्या होती है, मेरे को समझाया था काफ़ी बेहतर तरीके से। तो वो पिछली तीन वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और ट्रंकिंग हम क्यों करते हैं, क्यों कम्युनिकेशन करते हैं, ये बहुत ही आपको आइडिया अच्छा तरीके से समझा दिया था। मैंने आपको समझा था कि पहले टाइम की ट्रंकिंग की जाती थी वो कमांड बेस थी, उसके बाद में इस तरह से वेब इंटरफेस के अंदर आया। ओके, और साथ ही मैंने पिछली वीडियो के अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से समझाया भी था मैन्युअली। ओके, तो ट्रंकिंग सिस्टम से किस तरह से हमें फ़ायदा होता है, कैसे इस तरह की से हम ट्रंकिंग करते हैं, साथ ही मैंने आपको समझाया था किस तरह से हमारा स्विच जो है इस सिस्टम को ऑपरेट करता है। साथ ही मैंने आपको समझाया था कि ट्रंकिंग करने के अलावा और भी हमारे पास रास्ते, लेकिन वो कॉस्टली होता है, वो काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकता है। और लास्ट वीडियो में आपको कम्प्लीटली मैन्युअली समझाया था वेब इंटरफेस स्विच का, स्विच की कुछ फैसिलिटीज मैंने बताई थी अपने खुद ही पर्सनल स्विच के सिस्टम के थ्रू, और आईपी एड्रेस के थ्रू समझा था, तो वो पिछली वीडियो भी जाकर देख लीजिए। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट और OSI लेयर ये क्यों है। ओके, क्योंकि इसको OSI लेयर का क्यों बोला जाता है, यहाँ पर इसका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको YouTube में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, YouTube ओपन कर लेना है या YouTube की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, YouTube की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर के कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर, जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, वीडियोज़ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितने भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर नाम से। ओके,
तो जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट किए हो कि तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कॉन्टैक्ट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए, यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीट लेके कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा रहे हैं यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर, Windows 7 8.1, Windows 10 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया है यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप जैसे थे कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की टूटिल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह, वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर, हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है, तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, Windows 7 बेसिक्स से, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो Windows 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि इसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए, सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है, कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्यून है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है, मैं अपना सिस्टम जो है, अपना जितना भी हो सके उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्लेलिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक काम होना चाहिए, तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो, उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है Windows 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो
द टंकिंग ऑफ द इन्वॉल्व विलेंस टेक प्लेस इन द लेयर टू ऑफ द ओएसआई मॉडल। ये बहुत ही समझना इम्पोर्टेंट है कि टंकिंग इन्वॉल्व कैसे हुआ विलेंस के कारण, विलेन प्लेस के कारण, और वो किस तरह से परफॉर्म करता है लेयर टू ओएसआई मॉडल के ऊपर। लेयर टू मतलब डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। मैंने आपको समझाया था कि लेयर की सिस्टम क्या होती है। ओके, लेयर की जितने भी मैंने वीडियो बनाई है वो जाकर देख लीजिए नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर। तो डेटा लिंक लेयर के ऊपर ही ट्रंक पोर्ट जो है काम करता है। उसके अंदर दो प्रोटोकॉल यहाँ पर हमारे ट्रंकिंग पोर्ट के अंदर यूज होते हैं। विच डिजाइन है 7 डिफरेंट लेयर फॉर नेटवर्किंग ट्रांसमिशन। ओके, तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई सैटेलाइट स्टेशन है। ओके, और सैटेलाइट जो है आपको पता है क्या करती है कि दुनिया के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के अंदर इसको सेंड करना है, रिसीव करना है वो डेटा, सैटेलाइट वही काम करती है। ओके, तो जब सैटेलाइट जो होती है वो डेटा भेजती है स्पेस में से, मतलब कि एयर में से हमारे जमीन पर, तो हमें पता होता है कि किस तरह से कम्युनिकेशन करना होता है सैटेलाइट को। तो सैटेलाइट जो होती है उसके अंदर भी प्रोटोकॉल डिफरेंस होते हैं, उसके वो काम भी बहुत सारी अलग तरह की होती है। कुछ डिफेंस टाइप की सैटेलाइट होती है, कुछ मिलिट्री ग्रेड की सैटेलाइट होती है, कुछ वेदर टाइप की सैटेलाइट होती है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन से नासा करके मान के चलते है कि वो जो है तीनों सैटेलाइट को यूज़ करना चाहती है एक ही, लेकिन वो जो डेटा है वो सीधा हो गया मेन सेंट्रल सिस्टम को भेजना चाहता है। तो उसके अंदर उसके टाइम के अंदर ट्रंक पोर्ट सिस्टम तो होगी ही, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो ट्रंक पोर्ट क्या होता है कि लेयर टू इज नाउ एज डेटा लिंक लेयर। ओके, तो लेयर टू जो है डेटा लिंक सिस्टम जो है वो डेटा लिंक सिस्टम से ये परफॉर्म होता है। और इट इज टाइपिकली यूज मैक एड्रेस, किसके लिए, मैक ब्रॉडकास्ट, मैक एड्रेस को इनपुट करके चलता है। और सिग्नल बिटवीन नेट टू इंटरनल नेटवर्क, तो सिग्नल जो होता है वो नोड जो होता है वो नेटवर्क के लिए। तो मेन जो सेंट्रलाइज डिवाइस जो होता है, मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट सिस्टम जो होता है कि स्विच जो है सभी की मेन सेंटर में उसका कम्युनिकेशन की वायरिंग वगैरह, कम्युनिकेशन की जितने भी डेटा और भी बहुत सारे सैटेलाइट जो होती है उसकी काम करने वाले उसका जो डिवाइसेस होती है इसके साथ जुड़ी हुई होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ऐसे में क्या होता है कि विलेन ही ऐसा सिस्टम है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में नहीं होंगे, कनेक्ट तो होंगे लेकिन कम्युनिकेशन में नहीं। डेटा सेफ रहेगा, डेटा सेफ होने के साथ साथ काफ़ी रिलायबल और काफ़ी फास्ट भी रहेगा इंटरनल नेटवर्क के अंदर। अब उसको जहाँ पर जिस पर जिधर मोड़ना है वो आप मोड़ सकते हो, ओके, रूपिंग कर सकते हो। और ऐसे सेटेलाइट जो होती है जैसे ज़्यादातर फाइबर ऑप्टिकल केबल पर नेटवर्क ज़्यादा फास्ट काम करते हैं क्योंकि उसका जो स्पीड होती है काफ़ी फास्ट होता है। लेकिन अब आगे थोड़ा सा और समझते हैं कि बाय कॉन्ट्रास्ट लेयर थ्री इज यूज फॉर सेगमेंट आईपी राउटिंग। अब ये चीज़ आई कि लेयर थ्री पे कौन सा है, ये हमारा लेयर थ्री के ऊपर हमारा नेटवर्क लेयर है। तो नेटवर्क लेयर जो होता है वो यूज करता है सेगमेंट पैकेट आईपी राउटिंग, आईपी एड्रेस डालता है। तो द बेसिक वे टू लुक लेयर टू इज मच मोर गेट टावर इंटरनल नेटवर्क टीटीएस। तो वो क्या करता है कि बेसिक वे ढूंढता है, ओके, जितना हो सके इतना फास्ट लेयर टू के साथ से साथ चलकर वो इंटरनल नेटवर्क की एक्टिविटीज समझता है। जब वो क्या करता है कि जहाँ से लेयर थ्री का यूटिलाइज होता है आईपी सिस्टम होता है मोर एक्सटर्नली वे होता है, मतलब कि ज़्यादा और आगे डेटा भेजना है बाहर की ओर, तो लेयर थ्री का यूज़ किया जाता है। मतलब कि वो आईपी एड्रेस का असाइनिंग सिस्टम होता है, ओके, लेयर थ्री नेटवर्किंग। तो चाहते हो कि एक नेटवर्क में से दूसरे नेटवर्क में आपका सिस्टम जाना चाहिए, तो उस वक्त ट्रंक पोर्ट के साथ कौन सा सिस्टम ज्वाइन करना पड़ेगा, राउटर वगैरह सिस्टम जिसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, एक आईपी एड्रेस से दूसरे आईपी एड्रेस के अंदर वो सिस्टम जाएगा और वहीं से वो जो है वो फिर वो सिस्टम को चेंज करेगा, मतलब कि आईपी एड्रेस को चेंज करके वो आपकी कम्युनिकेशन में ला देगा।
उसी तरह से हमारा ये एक डेमो है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ट्रंक पोर्ट की स्विच अलग अलग है यहाँ पर, मतलब कि जैसे देखिए ट्रंक पोर्ट की जो यहाँ पर स्विच जो है वो तीनों जो है अलग अलग एरिया में है। ये मेन सिस्टम के अंदर जुड़ी हुई, ये सेकंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये कुछ हमारे आउटसाइड एरिया में और कुछ हमारे लोकल एरिया की जो कंप्यूटर है वहाँ पर कनेक्ट है, लेकिन सभी के अंदर ऑटो ट्रंक लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखिए ऑटो ट्रंक लिखा है। ये ऑटो ट्रंकिंग क्या होती है, ये आईपी एड्रेस से भी जुड़ी हुई होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। तो ज़्यादातर देख सकते हो कि इसके अंदर आप नो डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो कि क्योंकि इसके अंदर एक डिवाइस का हमारे ट्रंक पोर्ट बना दिया। इसके अंदर भी आठ डिवाइस, इसके अंदर भी आठ डिवाइस, ओके। तो एक पोर्ट जो है आप यूज नहीं कर पाओगे, इस तरह से हमारा जो है पोर्ट कम हो जाता है, ओके। तो पावर ऑफ इथरनेट का काम ही यही है, जब उस टाइम के अंदर ट्रंकिंग सिस्टम हम जब करते हैं तब, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पावर जब हम देते हैं तो हमने जो ट्रंक पोर्ट किया है, मतलब ट्रंकिंग किया है, वो ऑटोमेटिकली रिजर्व हो जाएगा, मतलब कि ऑटोमेटिकली वो अपने आप को ट्रंकिंग मांगते चलता है। अब इसके अंदर काम यही है कि जितने भी विलेन क्रिएट किए उसका विलेन सामने वाले दूसरे विलेन के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये होता है ट्रंक पोर्ट का काम। देख सकते हैं कि सामने जो है ये एक आईपी एड्रेस है और ट्रंक पोर्ट जो है मैंने दोनों स्विच के अंदर अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, दो ग्रुप यहाँ पर इस स्विच के अंदर, दो ग्रुप यहाँ पर इस स्विच के अंदर। एक ग्रुप का नाम लिखा है विलेन 10 और उसके अंदर 10 मैंने कंप्यूटर कनेक्ट करके रखे हैं, 10 कंप्यूटर का मैंने एक विलेन बनाया। दूसरे ग्रुप का नाम लिखा है विलेन 2 और वो 20 पोर्ट मैंने कनेक्ट करके रखे हुए और उसका आईपी एड्रेस अलग है, जैसे 192.168.1.10.1.0 और यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस जो अलग है, जैसे क्योंकि दोनों के आईपी एड्रेस अलग अलग है, ओके। और यहाँ पर वही चीज़ है कि यहाँ पर जो विलेन 10 लिखा तो यहाँ पर भी विलेन 10 लिखा, इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि नेम वही आईपी एड्रेस से रेंज शुरू हो रही है और इसके अंदर भी वही नेम लिखा है, दोनों के अंदर आईपी एड्रेस सेम है दोनों ग्रुप के अंदर, तो वही ग्रुप ही इसके साथ कम्युनिकेशन कर पाएगा। दूसरा ध्यान से देखो कि यहीं से भी मैंने ट्रंक विलेन क्रिएट किया है, लेकिन मेन जो ब्रिज का काम करता है, जो मेन जो केबल का काम करता है, वो ट्रंक कर रहा है, ओके। इस ट्रंक पोर्ट का सिस्टम यही कहता है कि जो भी डेटा यहाँ पर सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, जिसको भी भेजेगा, तो ये जो है भेजने से पहले स्विच हमारी जो होती है उसकी फ्रेम ऐड कर लेती है, इस डेटा के ऊपर फ्रेम ऐड कर लेता है। तो स्विच जो है दूसरा आइडेंटिफाई करके उसी ग्रुप को भेजेगा, दूसरे ग्रुप को भेजेगा कभी नहीं, ओके, कभी नहीं भेजेगा उसको, ओके। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं बीच में से केबल काट दूँ, केबल कट कर दूँ, तो कम्युनिकेशन दोनों में बीच में बंद हो जाएगा और इसका जो कम्युनिकेशन इसके 10-9 कंप्यूटर के अंदर होगा, लेकिन इसके साथ नहीं होगा, इस ग्रुप के साथ नहीं होगा, ओके। तो यही चीज़ होती है कि मैंने लिखा सेल्स विलियन 10, यहाँ पर लिखा सेल्स विलियन 10, तो सेल्स विलियन 10 यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर भी सेल्स विलियन 10 लिखा है, तो मुझे पता चल गया कि सेल्स डिपार्टमेंट का विलियन क्रिएट किया है 10 कंप्यूटर का ग्रुप है विलियन, यहाँ भी मुझे पता चल गया सेल्स कंपनी का, मतलब कि सेल्स ग्रुप डिपार्टमेंट का विलियन क्रिएट किया है 10 पोर्ट के अंदर। यहाँ पर लिखा इंजीनियर डिपार्टमेंट का विलियन 20 है, तो मुझे पता चल गया इंजीनियर डिपार्टमेंट का विलियन क्रिएट किया है 20 पोर्ट के लिए। यहीं पर भी लिखा कि इंजीनियर डिपार्टमेंट का विलियन 20, मतलब कि इंजीनियर डिपार्टमेंट का 20 कंप्यूटर यहाँ पर भी फिक्स है, तो दोनों का ग्रुप एक यहाँ पर हुआ, यहाँ पर भी वही सेम ग्रुप का नाम यहाँ पर यह भी हुआ, तो यहाँ पर आप क्या कम्युनिकेशन कर सकते हो, ओके। आप यहाँ पर 10 की जगह 5 भी रख सकते हो, इधर 16 भी रख सकते हो, लेकिन जो नेम दिए जा नेम दोगे और दूसरा उनका आईपी एड्रेस और गेटवे, ये तीन चीज़ें बहुत ही ध्यान से रखनी होती है। जब मैं इसको पढ़ाऊँगा तब आपको पता चल जाएगा, ओके। तो पोर्ट दैट इज अ कनेक्टेड अनदर स्विच, ओके। तो पोर्ट, अब जो पोर्ट जो की बात की, पोर्ट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इसकी कनेक्ट होता है अनदर स्विच के अंदर, ओके। तो ये पोर्ट जो होता है ट्रंक पोर्ट दूसरी स्विच की कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए ही ट्रंक पोर्ट बनाए जाते हैं, ओके।
this type interface can carry traffic multiple wheels, okay? Multiple सही बात है कि एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा भी वीलन क्रिएट कर सकते इससे भी, तो मल्टीपल जो है इसका ट्रैफिक जो उठा सकता है वो एक ही केबल ट्रांसपोर्ट की, दस इनेबलिंग यू टू एक्सटेंड वीलन अक्रॉस योर इंटरनेट, ओके। तो इनेबल करता है एक्सटेंडेड ज़्यादा से ज़्यादा वीलन को कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क भेजने के लिए। और ये किसे भेजता है? फ्रेम भेजता है, फ्रेम के सिस्टम के अंदर कि जो भी डेटा भेजते हैं वो फ्रेमिंग में भेज देता है और वो टैग करता है हर फ्रेम के ऊपर, मतलब कि यहाँ से एक ग्रुप का आया तो यहाँ से उस विलेन के ऊपर उसका जो नेम होता है उसका एक टैग होता है, उस डेटा के साथ जोड़ देगा और वही स्विच को देगा, तो स्विच सामने वाले को जो है पता चल जाएगा कि ये जो है यही ग्रुप से आया है, यही विलेन से आया, तो वही उठा पाएगा और दूसरे को मिलेगा नहीं, ओके। दूसरे को कोई भी डेटा नहीं मिलेगा और ना ही अंदर से अंदर कम्युनिकेशन कर पाएंगे, ओके, क्योंकि ये अलग हो गया एक नेटवर्क। प्रोटेक्टेड बाय असाइनिंग अ विलेन आईडी, ओके, मैंने कहा था कि विलेन आईडी होता है टू ईच फ्रेम दे ट्रैवल्स बिटवीन द स्विच, ओके। हर कोई भी डेटा जाएगा तो उसके ऊपर जो विलेन का आईडी जो होता है, नाम का आईडी होता है, वो लग जाएगा, उस तरह से हमारा विलेन होता है। ध्यान से देखिए इस सिस्टम को कि हमारे डेटा चाहे फाइल हो, फोल्डर हो, मूवी हो, या फिर हमारे फोटोज हो, या इवन कोई भी चीज़ हो, एक्स वाई जेड जो भी डेटा हम भेजते हैं, तो फ्रेमिंग किससे होती है? ध्यान से देखें, इस तरह से फ्रेमिंग होती है। तो ये जो है SFD होता है, प्रीमेबल, इसके अंदर आपका डेटा सोर्स होता है, हमारा सोर्स का एड्रेस होता है, जैसे कि सोर्स एड्रेस का मतलब कि आपका IP एड्रेस, ओके। तो मान के 10.0.0.1 या फिर मैक का आपका एड्रेस होगा, और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर हमारा लगता है फ्रेमिंग, ओके। तो इसके अंदर OP कोड होता है और ये कोड ही जो होता है ये मैक कंट्रोल OP कोड होता है, और पोस्ट टाइम वगैरह जो होता है ये OP कोड जो होता है वो खुद स्विच डालता है, और फ्रेम चेक सिक्वेंस, तो फ्रेम यहाँ पर चेक होती है, ओके। तो जब कोई डेटा सामने से भेजा गया है तो पहले वो चेक करता है यहाँ पर OP कोड, ठीक है, कंप्लीट है, तो ये फ्रेम कोड होता है, ओके। और ये 2x2 मतलब 4 बाइट का होता है, और फिर वहाँ से भी मैक, फिर वहाँ से भी सोर्स एड्रेस चेक कर, या फिर वहाँ पर जहाँ पर डेस्टिनेशन, जहाँ पर जिसको भेजना है वो, और फिर आपका SFD और फिर उसके अंदर जो डेटा होगा वो, इस तरह से हमारा जो फ्रेमिंग होता है, ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से ये होता है। फिर से एक समझा देता हूँ कि एक विलेन क्रिएट किया, यहाँ पर विलेन क्रिएट किया, यहाँ पर विलेन क्रिएट किया, यहाँ पर विलेन क्रिएट किया। तो ध्यान से देखें कि ट्रांसपोर्ट यहाँ पर इस तरह से आप क्रिएट करते हो, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि आपके सामने ये जो PC है, ओके, ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इस विलन से, ओके, सॉरी, इस विलन से, विलन 10 से, तो विलन 10 से ही विलन 10 एक का नाम लिया है यहाँ पर, विलन 10, तो इस हिसाब से यही वहीं से डेटा हो जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ से इसको मिलेगा, लेकिन दूसरी विलन को कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि ये कम्युनिकेशन किसे भेजा गया, किस तरह से भेजा गया, कि आपका किस तरह से कम्युनिकेशन हुआ। यही इस चीज़ की विलन की खासियत है, ओके, कि दूसरे के कम्युनिकेशन में ना ज्वाइन करते हुए भी वो कम्युनिकेशन सामने वाले को फाइल भेजे, सेंड करे, रिसीव कर, इस हिसाब से इसको ट्रंक मोड बोलते हैं, ओके, ट्रंक सिस्टम बोलते हैं, या फिर टैगेट विलन भी बोल सकती है, या फिर ट्रंक पोर्ट भी बोल सकती है। तो टैगेट यहाँ पर क्या होता है कि ट्रैफिक कभी भी ये ड्रॉप नहीं करता, कि ये अपने तरीके से जो है, मतलब कि चांसेस नहीं है कि कोई भी आपका डेटा जो है ड्रॉप हो जाए या छूट जाए या फिर इसको डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा नहीं होता, ओके। और साथ ही साथ वो डेटा जो है कम्युनिकेशन को एक ही केबल से टू वे की ओर भेजता है, कि ये ट्रांसपोर्ट का काम होता है। तो ट्रंक सिस्टम इस पोर्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि सेंड भी करना है, रिसीव भी करना है एक ही पोर्ट से, ओके। और अगर आपने दो पोर्ट बनाए तो यहाँ पर भी यही चीज़ रहेगी, लेकिन तब ऑन होगा जब यहाँ से कोई केबल कट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यहाँ से कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, तब ये दूसरा पोर्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो ऐसे में क्या होता है कि हम जितने भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, या तो फिर SFP मतलब कि फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी से, या इथरनेट टेक्नोलॉजी से हम ट्रंक पोर्ट बना देते हैं यहाँ पर, ओके। तो ये आपके सामने ये ट्रंक पोर्ट सिस्टम होती है। ज़्यादातर ट्रंक टेक्नोलॉजी जो है लोग कमांड बेस से भी स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग VPN
और भी बहुत कुछ आपके सामने भी चीज़ें देखने को मिलती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मान के चलो कि 48 पोर्ट की मतलब कि 48 पोर्ट की ये जो स्विच है इसके अंदर कुछ डिवाइसेस सर्वर जॉइंट है, कुछ हमारे कंप्यूटर जॉइंट है, कुछ और भी स्विचेस जो है यहाँ से जो है कनेक्शन किए गए यहाँ पर ओके, और यहाँ पर राउटर कनेक्ट किए गए ओके। तो राउटर और सर्वर दोनों का कॉम्बिनेशन का एक रूटीन बनाया, कुछ दो तीन कंप्यूटर है यहाँ पर, फिर यहाँ पर कुछ और यहाँ पर जो है ये जो है वायरलेस सिस्टम कनेक्शन किया है यहाँ पर, इसका कुछ रूटीन बनाया। तो ये जो दोनों रूटीन क्रिएट किए है कुछ और जगह पर भी रूटीन किया, तो चाहते हैं कि आप सर्वर को एक्सेस सभी का कंट्रोल सर्वर करें तो सभी का जो है मेंबर आपको सर्वर का बनाना पड़ेगा। उसी तरह से VPN जो दे सकते कि इसका कम्युनिकेशन उसी को मिलना चाहिए, इस हिसाब से इसको जो है यहाँ पर क्या करना होता है इसके अंदर आपको डिजाइन थ्रू इस उस तरह से आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है। तो सर्वर जो टेक्नोलॉजी होती है वो कम्युनिकेशन करेगी राउटर के साथ और भी बहुत सारे हमारे जुड़े हुए लैंड स्विचेस के साथ कम्युनिकेशन करेगी, कि सर्वर के अंदर में आप चाहते हो थोड़ा नेटवर्क कंट्रोल हो तो सर्वर के थ्रू भी आप कनेक्शन करवा सकते हो, बिलियन VPN वगैरह जो भी सर्वर के थ्रू करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर के अंदर VPN एक थ्रू सेंडिंग और रिसीवर सब कुछ, तो यही से ये चीज़ होती आ रही है। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ कि दो मेन स्विच होती है, कोई भी सर्वर हो, कोई भी सर्वर की सिस्टम हो, 8 मिनिमम सर्वर है आपके पास, तो दो स्विच तो आपके पास मैनेजेबल स्विच होनी ही चाहिए मिनिमम, और एक जो होती है मास्टर स्विच रखी है, दूसरी स्लेव स्विच रखी है, मिनिमम दो तो मैनेजेबल स्विच होनी ही चाहिए, 8 सर्वर है या 3 सर्वर है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये ब्रॉडकास्ट डोमेन सिस्टम अगर आप कोई अब सर्वर की कोर्स की सिस्टम में लेकर आऊँगा, एक ही महीने के अंदर मैं सर्वर का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके अंदर आपको बताऊँ कि डोमेन क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है। तो जो सर्वर होता है मेन सर्वर जो होता है वो दूसरे सर्वर को कंटिन्यूसली जो है डेटा भेजता रहता है ताकि उसके अंदर कोई फॉल्ट आए या तो फिर उसके अंदर कोई भी सिस्टम जो है बंद होने की तैयारी हो तो दूसरा सिस्टम उसकी जगह ले लेगा, इससे आपका काम भी बना रहेगा, कंटिन्यू कनेक्शन रहेगा। तीज सर्वर है, इस सर्वर का VPN इसने कनेक्ट किया तो सर्वर के ही VPN के साथ कम्युनिकेशन करेगा, ये सर्वर की थियोरी होगी ओके। अब इसके साथ तीन और केबल निकाल लेते हैं कि दो केबल जो है दूसरी स्विच के साथ कनेक्ट है और वो स्विच जो है काफ़ी अलग 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 हमारे स्विचों के साथ जुड़ी हुई है और वहीं से फिर बहुत सारे हमारे जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की गई है, उसी तरह से यहाँ से भी कुछ अलग अलग स्विच कनेक्ट की गई है। तो कहने का मतलब ये कि स्विच जो होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है सर्वर सिस्टम के लिए और इसके अंदर VPN क्रिएट किए होते हैं ओके, ये होता है मेन इम्पोर्टेंट सिस्टम। तो कहने का मतलब कि अगर आप सिस्को की स्विच यूज कर रहे हो ओके, तो इसके अंदर कमांड मोड कौन सा होता है, देखिए स्विच पोर्ट मोड ऑन करना होता है और इनकैप्सुलेशन होता है, इनकैप्सुलेशन ओके, तो .1Q इस तरह से ये जो होता है और ये जो सिक्योर एक्सेस और कौन सा एक्सेस करेगा तो VLAN नंबर दे देना पड़ता है यहाँ पर ओके, इस तरह से होता है यहाँ पर। तो ये मेन चीज़ होती है स्विच के अंदर। अब ये सर्वर हो गया, अब वही चीज़ ध्यान से देखिए कि सिस्को की स्विच दूसरी स्विच नहीं है, यहाँ पर 40 कंपनी की स्विच है ओके ओके, मान के चले नेटगियर की अलग से दूसरी कोई सिस्टम है। अब यहाँ पर VLAN 5 है, यहाँ पर VLAN 1 क्रिएट किया है, तो अलाउ कौन सा चाहते हो आप सर्वर के लिए, दूसरा सर्वर यहाँ पर भी कनेक्शन किया गया, तो सेट अलाउ VLAN कौन कौन से, नंबर 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह जो है VLAN जो है इसको अलाउ करेगा, सेट अलाउ कौन आपके ट्रंक पोर्ट को अलाउ किया। आप जितने भी इसके अंदर कनेक्ट किए गए सब सेट किए तो सेट किस तरह होना है, अलाउ करना चाहिए, अनटेगेट करना चाहिए, नेटिव करना चाहिए, ये क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको सिस्को की जब कोर्स लेकर आऊँगा तब मैं आपको समझाऊंगा। तो सेट नेटिव कमांड क्या होता है, विलियन वन सेट अलाउ, विलियन फाइव क्या होता है, अनटैगर क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आपको चाहते हो विलियन अलाउ करना चाहते हो यहाँ से, तो आपको एक्सेस यहाँ पर देना होगा और यहाँ पर अलाउ करना होगा, तो सेट क्या होता है, सेट कमांड का
तो ये जो आप दे रहे हो दूसरी स्विच की टेक्नोलॉजी दूसरी कंपनी को, अगर सिस्को की स्विच सेम होती यहाँ पर सिस्को होता तो यही सिस्टम से इसी कमांड से चेंज हो जाता, कम्प्लीट हो जाता, मतलब कि आपका सक्सेस हो जाता ट्रांसपोर्ट। लेकिन दूसरी स्विच है, दूसरी कंपनी की स्विच है, तो आपको वो कमांड जो है वो सिस्को का थोड़ा अलग हो जाएगा यहाँ पर, ओके, दो तीन स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा में क्या ये रीज़न क्या होता है, ओके। तो इसकी जो फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स, ओके, यही मेन चीज़ें होती है, वो आपको समझाऊंगा अभी। तो जैसे थे कि हम जैसे थे कि एक टावर है उसके अंदर सेम फ्रिक्वेंसी सेम टाइम पर है, तो फुल डुप्लेक्स ऑन लिंक लेवल है, उसको हम कह सकते हैं, ओके, कि सेम फ्रिक्वेंसी है सेम टावर की भी और दूसरे टावर की दूसरे के अंदर कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। तो कम्युनिकेशन जो सेम फ्रिक्वेंसी एट सेम टाइम के अंदर होगी तो काफ़ी फास्ट हमारा नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन जो होते हैं वो ठीक से नहीं हो पाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो नेटवर्क जो होता है उसकी अलग फ्रिक्वेंसी होती है, इस वजह से उसकी कुछ प्रोटोकॉल्स अलग होती है, इस वजह से हम जो है अलग से हम कमांड देते हैं। जैसे कि सिस्को की कंपनी है तो सिस्को की कंपनी के राउटर के अंदर प्रोटोकॉल मैच हो जाएंगे उसकी, लेकिन सिस्को की कंपनी का राउटर है और दूसरे कंपनी का राउटर है तो 95% तो सेम ही प्रोटोकॉल सब रहेंगे, लेकिन कुछ जो इसकी थीसिस मतलब कि इसका कमांड सेंटर में होता है, कमांड अपने सिस्टम वगैरह जो होती है चेंज हो जाती है, तो ये भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि एक्सेस पोर्ट क्या होता है, एक्सेस पोर्ट किसे कहते हैं, ओके, हालांकि मैंने समझा दिया था फिर भी मैं आपको समझ देना चाहता हूँ कि एक्सेस पोर्ट किसे कहते हैं। और बेसिकली एक्सेस पोर्ट जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, ओके, ये आपको मैं समझाऊंगा। तो एक्सेस पोर्ट जो है वो किस लिए होते हैं, किसके लिए, एक्सेस शब्द कहाँ से आया, किसे ये पोर्ट इसको बोला गया, आप किस तरह से इसको यूज़ करने के लिए ये सिस्टम बनाई गई थी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सही से शुरू करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आप मेरी नई वीडियो की जानकारी जो है मिस ना कर दें, ओके। तो मैं यहीं से शुरू करूँगा, ओके, सभी वीडियो को पार्ट वाइज से ही देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो थैंक यू है मैस्टर। जैसे सकते कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है, तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे तो कि विंडो 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है, ओके। तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है, ओके। और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये बुक में ये अभी सीखी, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर, ओके। तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर, ओके। तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए, ओके। तो ये पुराने आपके लिए, और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायर वॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा, ओके। एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारे कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही कि यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें, ओके। तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है, ओके। तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी,
ओके और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी, आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके तो थैंक यू।